नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा रिडिफाइनिंग एजुकेशन के आज के सेशन में। वीडियो बीपीडीओ परीक्षा के लिए पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमने ग्राम पंचायत के बारे में अध्ययन किया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर अभी कवर नहीं किया है तो एक बार आप पीछे जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं, या नहीं भी देखे तो थोड़ा सा रिविजन हम लोग कर लेते हैं कि हमने कहा उत्तराखंड के अंदर ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस पंचायती राज व्यवस्था का जो संरचना है वो त्रिस्तरीय है। अब जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं होती है, इस त्रिस्तरीय संरचनाओं में सबसे ऊपर जिला पंचायतें होती है। तो हमारे राज्य के अंदर भी जिला पंचायत होती है सबसे ऊपर स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। इसके नीचे क्षेत्र पंचायतें होती है, और क्षेत्र पंचायतों के नीचे ग्राम पंचायत होती है। तो पिछला जो लेक्चर हमने किया था वो ग्राम पंचायत के ऊपर किया था, और इसके अलावा हमने बात करी थी कि भाई राज्य का राज्य गठन के समय अपना स्वयं का कोई पंचायती राज अधिनियम नहीं था, तो हमने वर्ष 2016 ईस्वी के अंदर उत्तराखंड राज्य का स्वयं का पंचायती राज अधिनियम उसको पारित करवा दिया विधानसभा से। तो ग्राम पंचायत को कवर करने के बाद आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र पंचायतों के बारे में। अब क्योंकि 2016 में आपने एक नया अधिनियम पारित कर दिया है, तो कुछ प्रावधान जो है जो पहले से चले आ रहे थे, उन पहले से चले आ रहे कुछ प्रावधानों में कुछ प्रावधान जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ग्राम पंचायत में पंचायत सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो अब 7 हो गई है, और पहले जब राज्य का गठन हुआ था तब हमने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को ही अपने राज्य में लागू किया हुआ था, तो तब हमारे राज्य में न्यूनतम सदस्य संख्या जो पंचायत सदस्यों की थी वो 5 हुआ करती थी, और अब कितनी हो गई है तो 7 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब पंचायती राज व्यवस्था के कुछ प्रावधानों में परिवर्तन आ गया है। खैर, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्षेत्र पंचायतों के बारे में। ग्राम पंचायत हमारा कवर हो गया, तो सबसे पहले इस क्षेत्र पंचायत की संरचना कैसी होती है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र पंचायत स्तर पर जो इसका प्रधान है, जो मुखिया है, उसे हम लोग प्रमुख कह लेते हैं, या इसको क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष भी कहा जा सकता है। अगर संवैधानिक दृष्टि से देखेंगे तो इसको क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कहा जाएगा, और आम भाषा में हम लोग इसको प्रमुख भी कह लेते हैं। ये इस क्षेत्र पंचायत का मुखिया होता है। ठीक, अब क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष है या फिर प्रमुख है, इसके नीचे ज्येष्ठ उपप्रमुख होता है। इसके नीचे होता है ज्येष्ठ उपप्रमुख, ज्येष्ठ उपप्रमुख के नीचे होता है कनिष्ठ उपप्रमुख, कनिष्ठ उपप्रमुख, और कनिष्ठ उपप्रमुख के नीचे होता है क्षेत्र पंचायत के सदस्य। इन लोगों से मिलकर के आपकी एक क्षेत्र पंचायत का जो है वो गठन हो रहा है। जब आप हम बात कर रहे हैं क्षेत्र पंचायत की, तो क्षेत्र पंचायत के अंदर क्षेत्र पंचायत का एक मुखिया है जिसे प्रमुख या अध्यक्ष कहा जाता है। इसके नीचे एक ज्येष्ठ उपप्रमुख होता है, उसके नीचे कनिष्ठ उपप्रमुख होता है, और कनिष्ठ उपप्रमुख के नीचे क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। हम जब पंचायती चुनाव में वोट देते हैं तो जिन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं क्षेत्र पंचायत में, वो यहाँ पर है क्षेत्र पंचायत सदस्य। बाकी ऊपर के जो तीनों हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होगा। इन्हीं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में से अपने में से ये किसी एक व्यक्ति को कनिष्ठ उपप्रमुख, ज्येष्ठ उपप्रमुख या फिर प्रमुख बना लेंगे। तो जब हम संरचना की बात कर रहे हैं तो क्षेत्र पंचायत की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। क्षेत्र पंचायत में ये सारे सदस्य होते हैं, इनका जो अध्यक्ष है उसको प्रमुख कहते हैं, उसके नीचे ज्येष्ठ उपप्रमुख होता है, फिर कनिष्ठ उपप्रमुख होता है, और फिर नीचे क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। ये तो इसके सदस्य हो गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत नहीं है। मतलब जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के समय उन्होंने क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत वो कोई चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन जब कभी क्षेत्र पंचायत की बैठकें होती है तो क्षेत्र पंचायत की बैठकों में वो पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि क्षेत्र पंचायत की बैठकों के समय जो मतदान होता है उस मतदान में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। इन शॉर्ट में कहूं तो क्षेत्र पंचायत की बैठक की कार्यवाही में वो लोग हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है पदेन सदस्य, क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य। अब क्षेत्र पंचायत के जो पदेन सदस्य होते हैं, कौन कौन क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना संबंधित क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाली जितनी भी ग्राम पंचायतें होंगी उन ग्राम पंचायतों के सभी ग्राम प्रधान,
सभी ग्राम प्रधान। जैसे मान लो कि भाई कोई क्षेत्र पंचायत है, इस क्षेत्र पंचायत का नाम ए है, तो इस ए क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायतें आ रही हैं, उन ग्राम पंचायतों के जो प्रधान निर्वाचित हुए हैं, वो सभी ग्राम प्रधान भी क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। पहली बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा इस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जितने भी विधानसभा क्षेत्र होंगे, उन विधानसभा क्षेत्र के सभी निर्वाचित सदस्य, इन विधानसभा क्षेत्र के सभी निर्वाचित सदस्य जो है वो भी क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जिस क्षेत्र पंचायत की हम लोग बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जो लोकसभा क्षेत्र आता है, इस लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है, यानी जो हमारा सांसद होता है, वो सांसद भी क्षेत्र पंचायत का पदेन सदस्य होता है। वो सदस्य तो नहीं है, लेकिन पदेन सदस्य इसका मतलब है कि वो क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही में हिस्सा लेगा, बैठक की कार्यवाही में। ठीक, तो लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है वो भी क्षेत्र पंचायत का पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा ध्यान रखना चौथा पॉइंट, राज्यसभा। अब हमारे यहाँ पर विधान परिषद तो है नहीं, वैसे प्रावधान विधान परिषदों के लिए भी, लेकिन हम अपने राज्य की बात करें तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य, जैसे हम भारत की बात करें तो मान लो कोई व्यक्ति भारत में इस समय राज्यसभा सदस्य है, तो भारत में वो राज्यसभा सदस्य इस समय चयनित किया गया है, लेकिन यदि उस राज्यसभा सदस्य जो चुना गया है उस व्यक्ति का नाम संबंधित क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक सूची में लिखा हुआ हो, तो ऐसे में ये व्यक्ति भी इस क्षेत्र पंचायत का पदेन सदस्य होगा। इसका मतलब क्या है, मान लो इस समय मैं जो हूं वो राज्यसभा में निर्वाचित होकर के वहां पहुंचा हुआ हूं, तो मैं राज्यसभा का सदस्य हूं निर्वाचित, मेरा नाम मान लेते हैं कि अल्मोड़ा के अंदर किसी क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक सूची में लिखा गया है, तो अल्मोड़ा के अंदर जिस क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक सूची में मेरा नाम लिखा गया है, उस क्षेत्र पंचायत का मैं क्या हूं, पदेन सदस्य भी हूं। तो कौन कौन पदेन सदस्य होते, सभी ग्राम प्रधान, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी विधायकों की हम लोग बात कर रहे हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो इस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आते हैं सांसद की बात कर रहे हैं, और राज्यसभा के वे निर्वाचित सदस्य जिनका नाम संबंधित क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक सूची में लिखा हुआ हो, वो लोग भी क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सदस्य और पदेन सदस्यों में क्या फर्क है, तो जरा समझना, ये ऊपर के जो तीन लोग हैं, प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख, इन लोगों को चुनने का काम, इनको कौन चुनता है, तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख के मतदान में क्षेत्र पंचायत के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पदेन सदस्यों का कोई रोल नहीं है। पदेन सदस्य जो है प्रमुख के निर्वाचन में किसी भी प्रकार की भूमिका को नहीं निभाते हैं। इसके अलावा जब कभी आपको प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख को उनके पदों से हटाना हो, यानी अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर के आओगे, तो अविश्वास प्रस्ताव के समय भी पदेन सदस्य जो है मतदान नहीं कर सकता है। पदेन सदस्यों को सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र पंचायत की बैठकों में मतदान करने का अधिकार है। क्षेत्र पंचायत की जब भी बैठक बुलाई जाएगी, उस बैठक में पदेन सदस्य को मतदान करने का अधिकार है। सदस्य जो है इनका निर्वाचन में भी मतदान कर सकते और इनके अविश्वास प्रस्ताव के समय भी मतदान कर सकते, जबकि पदेन सदस्य सिर्फ इनके पास बैठक में मतदान करने का अधिकार होता है। तो ये सारे के सारे लोग जो होते हैं, ये क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अब क्षेत्र पंचायत के ऊपर भी एक और हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में जिला पंचायत है। तब यहां पर एक प्रश्न निकल करके आता है कि इस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाला जो जिला पंचायत सदस्य होगा, जो जिला पंचायत का सदस्य इस क्षेत्र पंचायत से एसोसिएट होगा, इससे संबंधित होगा, क्या वो जिला पंचायत सदस्य जो है क्या वो भी इस क्षेत्र पंचायत का पदेन सदस्य होगा या नहीं? तो फिर आंसर होगा नहीं। वो जो जिला पंचायत का सदस्य होगा वो इस क्षेत्र पंचायत का पदेन सदस्य ना होकर के आमंत्रित सदस्य होता है, आमंत्रित सदस्य होता है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत कौन वो व्यक्ति है जो आमंत्रित सदस्य होता है? तो संबंधित क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाला जो जिला पंचायत सदस्य है, अध्यक्ष नहीं, जिला जिसको हमने चुन करके भेजा है, जिला पंचायत का जो सदस्य होता है ये आमंत्रित सदस्य की भूमिका निभाता है। तो फिर यहां पर एक और प्रश्न आया, फिर क्या डिफरेंस है आमंत्रित सदस्य, पदेन सदस्य और सदस्य के अंतर्गत? तो जो आमंत्रित सदस्य होता है, जिसको कि हमने कहा जिला पंचायत सदस्य, आमंत्रित सदस्य क्षेत्र पंचायत की बैठकों में मतदान नहीं कर सकता है। हाँ, वो क्षेत्र पंचायत की बैठकों में अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन
उसको क्षेत्र पंचायत की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन क्षेत्र पंचायत की बैठकों में मतदान नहीं कर सकता है? सदस्य सब लोग कर सकते हैं, उपप्रमुख ज्येष्ठ प्रमुख ये तो मतदान कर सकते हैं, पदेन सदस्य भी क्षेत्र पंचायत की बैठकों में मतदान कर सकते हैं, लेकिन जो आमंत्रित सदस्य होता है यानी जिला पंचायत का जो सदस्य है वो जिला पंचायत का सदस्य क्षेत्र पंचायत की बैठकों में क्योंकि मतदान नहीं कर सकता है इसलिए इसे आमंत्रित सदस्य कहा जाता है। या आपसे ऐसा भी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर निम्न में से कौन व्यक्ति है जो आमंत्रित सदस्य के तौर पर कार्य करता है, तो फिर आप कहेंगे वो जिला पंचायत सदस्य होता है। संबंधित क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाला जो जिला पंचायत सदस्य होता है वही आमंत्रित सदस्य के तौर पर यहां पर कार्य करता है। अब इस क्षेत्र पंचायत की बात करी जाए तो जो हमारा पंचायती राज अधिनियम 2016 है, पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार क्षेत्र पंचायत इनकी संख्या कैसे हम डिक्लेयर करेंगे? किसी भी जिले जिला पंचायत के अंतर्गत आती है क्षेत्र पंचायत, इन क्षेत्र पंचायतों की संख्या हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए प्रावधान बनाया हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में 25,000 की जनसंख्या पर, प्रत्येक 25,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर 20 क्षेत्र पंचायतों का गठन किया जाएगा और इनकी अधिकतम संख्या जो है वो है 40। और मैदानी क्षेत्रों के लिए ये प्रावधान है कि प्रत्येक 50,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर आप 20 क्षेत्र पंचायतों का गठन करोगे और अधिकतम संख्या है 40। तो ये भी कह सकते हैं कि क्षेत्र पंचायतों की अधिकतम संख्या उत्तराखंड के अंदर कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो आप कह सकते हैं 20 हो सकती है। ठीक, पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार उत्तराखंड के अंदर क्षेत्र पंचायतों की न्यूनतम जो संख्या है वो 20 हो सकती है और अधिकतम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। और क्षेत्र पंचायत की अगर हम संरचना देखें तो यहाँ एक प्रमुख होता है, एक ज्येष्ठ उपप्रमुख होता है, कनिष्ठ उपप्रमुख होता है और उसके नीचे जो है सदस्य होते हैं। इस क्षेत्र, अब बाकी की तो बात नहीं है तो मैं बाकी हटा लेता हूँ। पदेन सदस्य, ग्राम प्रधान हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विधानसभा पढ़ेंगे उत्तराखंड की, विधानसभा के अंदर चौथी निर्वाचित विधानसभा चल रही है तो उसका हमारा कोई रोल नहीं है। लोकसभा के बारे में हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ लेते हैं और जिला पंचायत अभी पढ़नी बाकी है हमारे लिए। ठीक, तो ये है क्षेत्र पंचायत, प्रमुख है, ज्येष्ठ उपप्रमुख है, कनिष्ठ उपप्रमुख है और नीचे जो है सदस्य है। सदस्य वो है जिसको हमने चुना है, हमने चुन करके भेजा है वहां पर। यानी अगर निर्वाचन की बात करी जाए तो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य है इनका तो निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है, जबकि ऊपर तीनों का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत मतलब ये जो सदस्य होते हैं ये अपने में से किसी व्यक्ति को कनिष्ठ उपप्रमुख, ज्येष्ठ उपप्रमुख और प्रमुख बना लेते हैं। तो जो व्यक्ति प्रमुख बन रहा है उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई विशेष योग्यता नहीं होनी चाहिए। जैसे क्षेत्र पंचायत के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम आपकी आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। तो भाई जब फिर, क्योंकि सदस्य में से ही एक व्यक्ति प्रमुख, ज्येष्ठ उपप्रमुख या कनिष्ठ उपप्रमुख भी चयनित होता है तो फिर कोई विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्षेत्र पंचायत का प्रमुख बनने के लिए कोई विशेष योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है, वही योग्यताएं जो क्षेत्र पंचायत सदस्य की है उसी योग्यता पर आप क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत प्रमुख या अध्यक्ष का पद भी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ग्राम पंचायत के लिए हमने बोला था न्यूनतम 21 वर्ष, वैसे ही यहाँ पर भी क्या प्रावधान है, कितने वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, ऊपर वालों का अप्रत्यक्ष होता है। योग्यता की बात करी जाए तो 21 वर्ष इतनी आयु कंप्लीट करनी आवश्यक है। अगला प्रश्न आता है कौन होगा जो निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएगा? अब निर्वाचित ऊपर वाले भी हैं, चाहे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित है लेकिन निर्वाचित ही है। ग्राम क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य है उनको हमने निर्वाचित किया है तो वो है प्रत्यक्ष निर्वाचित, और ऊपर वालों को प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों ने चयनित किया है तो वो भी निर्वाचित है, हालांकि वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित है पर है तो निर्वाचित ना। तो जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं इन निर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो फिर याद रखना एसटीएम इनको शपथ दिलाता है। जिला पंचायत स्तर पर क्या प्रावधान है, वहां पर डीएम जो है वो इनको शपथ दिलाएगा। जैसे हमने कहा था ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान स्तर पर जब बात कर रहे थे तो ग्राम पंचायत स्तर पर शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो हमने कहा था वहां पर बीडीओ मतलब खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पर शपथ दिलाता है। और क्षेत्र पंचायत स्तर पर शपथ कौन दिलाता है? तो फिर कहेंगे एसडीएम जो है वो क्षेत्र पंचायत स्तर पर शपथ दिलाने का कार्य करता है। या फिर क्षेत्र पंचायत के ये जो लोग हैं जितने भी ऊपर के तीन हैं जो
प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख, यदि इनको अपना त्याग पत्र सौंपना हो तो ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? तो फिर ध्यान रखना, जब कभी इनको त्याग पत्र सौंपना हो तो ये अपना त्याग पत्र जिला मजिस्ट्रेट को सौंपेंगे। किसको अपना त्याग पत्र सौंपते? तो फिर याद रखना, जिला मजिस्ट्रेट को ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर प्रावधान ये बनाया गया है कि एक वर्ष में 4 बैठक होनी आवश्यक, यानी प्रति तिमाही 1 बैठक होना आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत स्तर पर प्रति तिमाही 1 बैठक होना आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत का जो मुखिया है उसे प्रमुख, क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष कह सकते, ज्येष्ठ उप प्रमुख कह सकते, कनिष्ठ उप प्रमुख कह सकते। उत्तराखंड के अंदर क्षेत्र पंचायतों की जो न्यूनतम संख्या निर्धारित करी गई है वो 20-25 हजार की जनसंख्या पर ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में 50 हजार की जनसंख्या पर 20, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो फिर कहेंगे अधिकतम संख्या जो है वो 40 हो सकती है। ठीक। अब ये जो क्षेत्र पंचायतें हैं, इन क्षेत्र पंचायत स्तर पर जो सरकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, सरकार का जो सचिव यहां पर नियुक्त किया गया है वो आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, खंड विकास अधिकारी। ये जो सचिव होता है या ये जो सरकारी अधिकारी यहां पर नियुक्त किया जाता है, इस खंड विकास अधिकारी का कार्य क्या है कि ये क्षेत्र पंचायत का बजट तैयार करवाएगा। क्षेत्र पंचायत जैसे ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर बजट तैयार करवाने का कार्य बीपीडीओ करता है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम क्षेत्र पंचायतों की बात करें तो क्षेत्र पंचायत स्तर पर सरकारी अधिकारी या सचिव जो होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है। और इस खंड विकास अधिकारी का कार्य क्या होगा? तो इस खंड विकास अधिकारी का कार्य होगा क्षेत्र पंचायत का बजट तैयार करवाना। क्षेत्र पंचायत का बजट तैयार करवाना ये क्षेत्र पंचायत के जो सचिव है इसका कार्य हो गया। त्याग पत्र किसको देंगे? जिला मजिस्ट्रेट को। शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ जो है इनको एसटीएम दिलाता है। अब बात करते हैं भैया अविश्वास प्रस्ताव की। जैसे हमने कहा था कि अगर ग्राम प्रधान के खिलाफ जो है आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो उसको जिला पंचायत राज अधिकारी के पास पहुंचाना, और जो भी व्यवस्थाएं वहां पर बनी हुई थी वैसे यहां पर क्या होता है। तो जब कभी भी आपको क्षेत्र पंचायत के मुखिया, ज्येष्ठ उपप्रमुख या कनिष्ठ उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना हो तो इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या प्रावधान है कि संबंधित अविश्वास प्रस्ताव पर आधे सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। आधे सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। जैसे मान लेते हैं कि भैया 20-25 मैंने मान लिया क्षेत्र पंचायत के सदस्य किसी भी क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत है, या 26 में मान लू, बस कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं 26, तो 26 का आधा मतलब जब आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो किसी के भी खिलाफ तो उस समय उस अविश्वास प्रस्ताव पर कितने लोगों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है? तो 13 लोगों के, मतलब आधे लोगों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। पहली बात, जब आधे लोगों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर लिया, अगर आधे से कम है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव वहीं पर कैंसिल। तो अब आधे हस्ताक्षर आपने कर दिए, इसके बाद इस क्षेत्र पंचायत के कम से कम 3 सदस्य ऐसे होने चाहिए, कम से कम, जिनके साइन उस अविश्वास प्रस्ताव पर हो रखे, उसमें से कम 3 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो इस अविश्वास प्रस्ताव को जिला के सीडीओ के पास पहुंचाए, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के पास पहुंचाए, मुख्य विकास अधिकारी के पास पहुंचाए। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव, उस अविश्वास प्रस्ताव पर क्षेत्र पंचायत के कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है? आधे सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। दूसरा प्रावधान यह है कि जिन आधे सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं उनमें से कम 3 सदस्य इस अविश्वास प्रस्ताव को सीडीओ के ऑफिस में सबमिट करवाएंगे, जमा करवाएंगे। संबंधित सीडीओ 1 महीने के अंदर इस क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक बैठक आयोजित करवाएगा, करेगा नहीं करवाएगा, बस वही प्रावधान है जैसा पिछले लेक्चर में था, सेम दैट। सीडीओ संबंधित जो भी क्षेत्र पंचायत है इस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत एक बैठक का प्रावधान करेगा कि 1 महीने के अंदर अंदर इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना आवश्यक है, और जो बैठक होती है इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम करता है। यानी दोनों चीजें अलग है, समझना यहां पर बात। जब हमें अविश्वास प्रस्ताव जो है उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, जब अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो रहे हैं तो हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव को तो सीडीओ के पास जमा करना है, और जब इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होता है तो अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की स्थिति में जो बैठक होती है इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम करता है। एसडीएम की अध्यक्षता में इस अविश्वास प्रस्ताव पर गुप्त मतदान होता है, और गुप्त मतदान के बाद यदि 2/3 समर्थन से, 2/3 समर्थन से ये प्रस्ताव पारित हो गया तो ऐसे में जिसके खिलाफ भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जा रहा था उसको अपना पद जो है वो रिक्त करना पड़ेगा।
तो क्षेत्र पंचायतों के बारे में हम लोग ने अब बात करी अभी तक कि उत्तराखंड में क्षेत्र पंचायतों की स्थिति क्या है, कैसी इसकी संरचना होती है, कौन पदेन सदस्य होते हैं, कौन आमंत्रित सदस्य होते हैं, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र किसको देते हैं और अविश्वास प्रस्ताव की क्या प्रक्रिया होती है, योग्यता क्या होती है, तो 21 वर्ष बाकी भारत का नागरिक, और एक स्पेशल प्रावधान जो पंचायती राज अधिनियम 2016 में ऐड किया गया है कि यदि आपके घर में शौचालय नहीं है तो फिर आप पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कोई सा भी चुनाव नहीं लड़ सकते। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, आप कोई सा भी चुनाव नहीं लड़ सकते। आप चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो अगर आपके घर में शौचालय नहीं है। तो ये हमने उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत की संरचना की बात करी। अब क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत 6 समितियों का गठन होता है, उन 6 समितियों के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बात करेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।